शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गांव को चारों तरफ से घेर लो, कुछ लोग यहां से जाओ, कुछ लोग यहां से और कुछ लोग। बिरजू भैया, ठाकुर साहब, पुलिस वालों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। हरामजादा, क्या कर रहे हो? किसी ने मेरी बहन की इज्जत लूटी थी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तुम इसे गिरफ्तार करने आए हो, इसे मारने का तुम्हें कोई हक नहीं। तूने इन्फॉर्म किया, तेरी ड्यूटी खत्म। एंड डोंट यू फॉरगेट, आई एम योर सीनियर ऑफिसर, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। गांव वालों, राजू उर्फ बिरजू के खिलाफ बयान लिखना है। कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? तू लिखेगा? हम तो अंगूठा छापे साहब, हमें लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। तेरे को तो आता है ना? नहीं, लिखना नहीं आता, खाली पढ़ना आता है। खाली पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता, हरामजादे! क्या इस गांव के अंदर ऐसा कोई नहीं जिसे लिखना आता हो? है कोई इस गांव के अंदर? मुझे लिखना आता है। कहिए, क्या लिखना है? शाबाश, इस देश को तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो कानून की मदद करते हैं। शाबाश। लिख, राजू नाम का एक खतरनाक मुजरिम हमारे गांव में छुपा था और हम सब गांव वालों ने मिलकर उसे जान से मार दिया। तेरे को तो पढ़ना आता है ना, इधर आकर पढ़। बिरजू को पकड़ने आए इस कमीने इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह ने शराब के नशे में गांव की औरतों की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसलिए हम सब ने मिलके इस कमीने इंस्पेक्टर को जान से मार डाला। मुझे गलतफहमी हो गई थी कि बिरजू इस गांव का मुखिया बनना चाहता है। अगर मैंने उसकी दर्दनाक कहानी पहले सुन ली होती तो बिरजू की बजाय मैं तेरा कत्ल कर देता। हाँ, मैं तेरा कत्ल कर देता, हरामजादे। तुम जैसे भ्रष्ट लोगों की वजह से इस देश की भोली भाली जनता का विश्वास
कानून से उठ गया है। बिरजू को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़े तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, अगर तू मुझे मारेगी तो जिस कानून की तू पैरवी कर रही है वही कानून तुझे फांसी के तख्ते पर लटका देगा। अगर मेरी जान बिरजू के किसी काम आ गई तो मैं समझूंगी कि मैं सुहागन हो गई। अब मैं सबसे पहले तेरे को शूट करूंगा। वालों को मारने पीटने से कुछ हासिल नहीं होगा इंस्पेक्टर। इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि बिरजू भैया कहां छुपे हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हें कोई बताएगा नहीं। तो बाप भी बताए। तो भी नहीं बताएगी कि बिरजू कहां है? हाथ को लगाम दे इंस्पेक्टर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों बे? बड़ी मोहब्बत है इससे, साला लगता है क्या तेरा? ये मेरा साला नहीं लगता। रिश्ते में मैं इसका साला लगता हूं। ये मेरी बहन का सुहाग है, इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो फिर तेरी बहन की इज्जत की रक्षा करना भी तेरा फर्ज है। सर, बिरजू का पता चल गया है, वो गांव में ही एक घर में छुपा हुआ है। बिरजू भैया, पुलिस को इस घर का पता लग चुका है और पुलिस इधर आ रही है। नहीं 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 बिरजू बेटा नहीं, तुम यहां से चले जाओ, लक्ष्मी की जान को खतरा हो सकता है। गोटियां खत्म हो गई। हाँ, अंदर से अंडे लेकर आऊं? अरे अंडे फूट जाएंगे। अच्छा? चल चल चल। बिरजू को पकड़ने आए हो? एक मिर्ची पाउडर। ये जंगली कुत्तों की तरह कहां भाग रहे हो? साहब, गांव के एक आदमी को रात के 12 बजे सब नंगे दिखते हैं। बिरजू मिला? नहीं सर, गांव वालों ने हमारी आंखों में मिर्ची फेंक कर बिरजू को वहां से भगा दिया। बिरजू भाग गया? बिरजू भाग गया? और तुम लोग अपनी मनुष्य सूत्र लेकर मेरे सामने आए हो? गांव वालों की तो ऐसी कम तैसी है,
एक भी आदमी मुझे इस गांव में नहीं चाहिए। मार मार कर हराम जादों को चौपाल में जमा कर दो। जाओ। हवलदार 906 रिपोर्टिंग सर। हाँ, राजू को गिरफ्तार करने के बजाय इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए उसे नकली इनकाउंटर में मार देना चाहता है। बट दिस इज नॉट माई ऑर्डर। मेरा आदेश यह है कि तुम उसे रोको। कैसे रोके कमिश्नर साहब? एक तो वो हमारा अफसर है, दूसरे उसके सर पर खून सवार है। गांव वाले उसे रोकते हैं तो उन पर भी अत्याचार करता है। तो मैं वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन सुनो, मेरे वहां पहुंचने से पहले तुम लोग उसे गिरफ्तार कर लो। ये मेरा हुक्म है। ओके सर, ओवर।